व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बनाने वाले हैं बूटर ट्यूटोरियल और काफ़ी कुछ यूनिक काम करने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करो, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मार्कर से स्केच बना लेना है। बनाने के बाद आपको लेना है कट बिट्स, और यहाँ पे जो आपको निडल की ज़रूरत पड़ेगी वह आप ले सकते हैं। यहाँ पे 8 और 9 नंबर आप वुडन का ले सकते हो, और या फिर आप आयरन का भी ले सकते हो। और यहाँ पे जब धागा लोगे, थ्रेड लोगे, वो गोल्डन कलर का लेना है आपको। और यहाँ पे जो आप कट बिट्स फेंक रहे हो वो आपको सिंगल सिंगल फेंकना है, यानी कि एक एक करके फेंकना है, तो उसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। और टाका नीचे आपको खींचे करना है ताकि उसका जो फिनिशिंग रहे वो करीब में रहे, यानी कि डिस्टेंस काफ़ी दूर ना रहे आउटलाइन का, काफ़ी करीब करीब रहना चाहिए, तो उसकी फिनिशिंग रहती है बहुत काफ़ी अच्छी आती है। तो जो हमारा मेन छपाई है उसको आपको आउटलाइन मारना है कट बीट्स का, ठीक है। आपको टाका काफ़ी करीब रखना है और काफ़ी घना रखना है, तो जब जाकर आपकी फिनिशिंग जो है वो अच्छी आएगी। आपका जब कट बीट्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको लेना है नक्शी, गोल्डन नक्शी लेना है आपको, ठीक है। और उसको छोटे छोटे साइज में काटना, जो आपको ऊपर दिख रहा होगा जो हमारा प्याली प्याली टाइप में जो बॉक्स बना है हमारा, तो वहाँ पे हमको नक्शी मारनी है, ठीक है। नीचे से स्टार्ट करेंगे हम, ऊपर से स्टार्ट नहीं करेंगे, नीचे से बनाएंगे उसको, ऊपर पर हम कवर करते करते जाएंगे। और यहाँ पे जब टाका निकालोगे नक्शी का, वो बारीक बारीक निकालना है। इसके लिए जो आप निडल यूज़ करोगे वो यूज़ करोगे आप 7 नंबर, और जो धागा यूज़ करना है आपको थ्रेड, वो गोल्डन धागा आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो नक्शी जो है वो गोल्डन है। अब यहाँ पे हमको अंदर मारना है लोडिंग, ठीक है। लोडिंग मारने के लिए हमको जो पैटर्न लगेगा वो नक्शी का पैटर्न को देना है, ताकि वो ज़्यादा उठ के आए हमारा जो वर्क है। तो हम जो पैटर्न दे रहे हैं अंदर, वो नक्शी का पैटर्न दे रहे हैं, जिससे लुक और काफ़ी अच्छा आएगा। तो जिस तरीके से हमने अपना जो घुमाया है ना घुमेरी, उसके हिसाब से हम अंदर पैटर्न देंगे। यहाँ पे हम डबल पैटर्न का यूज़ करेंगे, ताकि हमारा डबल लोडेड वहाँ से लाइन जाए। हमको यहाँ पे तीनों लाइंस में जो है पैटर्न देना है, ठीक है। काफ़ी करीब करीब देंगे पैटर्न, कहाँ पे गैप नहीं होना चाहिए पैटर्न के बीच में। जब भी आप पैटर्न मारते हो ना, वहाँ पे कोई पैटर्न जो है पर कटा हुआ नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, आप जो लोडिंग सिलते हो वो अंदर गिर जाता है। तो आपको पैटर्न काफ़ी फिनिशिंग में देना होगा, काफ़ी घना देना होगा, ठीक है, जिससे आपकी जो लोडिंग आएगी वो काफ़ी बेहतरीन आएगी।
तो नक्शी के पैटर्न के बाद आपको लेना है यहाँ पे जरदोजी। यहाँ पे आपको दो कलर का लेना है, जैसे मैं यहाँ पे दो कलर का यूज़ कर रहा हूँ, रेड और गोल्डन। ठीक है, आपके पास जो कलर होगा वो आप वो लेके सिल सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो लेना है दोनों मटेरियल को साथ में काटना है, एक ही साइज़ का काटना है, जिससे आपका दोनों साइज जो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, जो भी साइज का आप काट रहे हो दोनों को मिला के काटना है आपको। और इसमें धागा जो यूज़ करोगे आप दोनों में से कोई भी एक धागा यूज़ कर सकते हो, तो आपको गोल्डन धागा यूज़ करना चाहिए यहाँ पे। और जो आपका जो नल लगेगा वो लगेगा 7 नंबर का। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी कैची रहेगी। वो आपकी कैची अगर सही है तो आपका जो काम है काफ़ी फिनिशिंग में होगा। ठीक है, तो कैची के हिसाब से आप वर्क को सही से काटेंगे। तो यहाँ पे आपको मटेरियल को फेंकना कैसे है, जैसे कि आप एक गोल्डन फेंक रहे हो, एक रेड फेंक रहे हो, एक गोल्डन एक रेड, एक गोल्डन एक रेड, इस तरीके से आपको फेंकते चले जाना है। ठीक है, जैसा उसका रुख होगा वहीं से आपको इसको स्टार्ट करना होगा। ठीक है, इसको आप गलत रुख में स्टार्ट नहीं कर सकते हो, उसमें क्या होगा आपका कोना कोने में जो है लास्ट तक का आपका मटेरियल नहीं जाएगा। तो जैसा शेप होता है हमको उसी तरीके से हमको जो है लोडिंग को करना होता है। जहाँ जहाँ पे हमने पैटर्न लगाया था नक्शी का, उस जगह पे हमको वहाँ पे जो सेम हमने सिला है, जो रेड और गोल्डन का कॉम्बिनेशन जरदोजी में, हमको वो पूरा करना है। जैसे हमारा शेप जा रहा है पैटर्न का, जैसे हमारा शेप जा रहा है, जैसे हमने जगह बनाया है, ठीक है, तो उस जगह पे हमको भरना है गोल्डन जरदोजी, रेड और गोल्डन का मिक्स करके हमको भरना है। तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा हमारा कांटेक्ट नंबर, ये क्लास के लिए है। अगर आप ये वर्क सीखना चाहते हो, आपका खुद का ड्रेस कुछ बनाना चाहते हो, आप कुछ पैसे अर्न करना चाहते हो ये वर्क सीख के, तो हमारा क्लास जो बेसिक क्लास है वो हर मंथ रहता है। तो आपको आरी वर्क सीखना है तो हमारे दिए गए नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। इसी पर आप DM व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर हमें इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। तो वहाँ पर जाके भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो यहाँ पे फ्लावर बनी है, फ्लावर पे मैं जरदोजी की आउटलाइन मार रहा हूँ, अंदर साइड में हम जो रेशम की लोडिंग मारेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ऊपर साइड में एक पत्ती दिख रही होगी, वो पत्ती में हम सीक्वेंस लेके, ऐसे कि सीक्वेंस आपको यहाँ पे 3 नंबर लेना है, जो साइज़ होगी आपकी पत्ती की उसके हिसाब से आपको सीक्वेंस लेना है। तो यहाँ पे मैं 3 नंबर सीक्वेंस ले रहा हूँ और कट बीट्स ले रहा हूँ। यहाँ पे हमने सारे बॉर्डर्स और आउटलाइन को मार लिया, उसके बाद हमको लेना है मल्टी कलर रेशम। ठीक है, यहाँ पे हम 3 से 4 कलर के रेशम को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जो वर्क होगा काफ़ी यूनिक होगा देखने लायक। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने जो कलर लिया है, यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर लिया है। आपके पास जो कलर अवेलेबल होगा वो आप ले सकते हो, बट कलर आपका मैचिंग होना चाहिए, लुक वाइज अच्छा होना चाहिए, उसके हिसाब से आप कलर लेंगे।
यहाँ पे जो मैं स्टिच का यूज़ कर रहा हूँ वो है फ्रेंच नॉट, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर आपका ज़्यादा है, एक बार घुमाने से आपका अच्छा साइज़ का बन जा रहा है तो आप उसको एक बार घुमाएंगे, एक बार घुमाने से अगर आपका साइज़ नहीं बन रहा है तो आप उसको दो बार घुमा सकते हो। पर यहाँ पे मैं एक बार घुमा रहा हूँ, जो मेरा यहाँ पे तार यूज़ किया है मैंने 8 का 16 यूज़ किया है तो काफ़ी मोटा है, तो यहाँ पे मैं एक ही बार घुमा के इसको फ्रेंच नॉट को बना रहा हूँ, तो जिससे मेरी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आ रही है। आपका अगर क्वान्टिटी कम है रेशम का तो आप उसको 4 का 8 ले सकते हो, यहाँ पर मेरे पास 8 का 16 है इसलिए मैं इसको एक बार घुमा रहा हूँ। तो मैंने अंदर साइड में ही फ्रेंच नॉट दे दिया है और यहाँ पे जो पत्ती है हमारी फ्लावर बनी है, फ्लावर में भी मेरे को लोडिंग मारनी है स्ट्रेट लोडिंग, तो वहाँ पे मैं पैटर्न दे के हैंडल से ही करूँगा, ठीक है। इसके लिए जो निडल लगेगा हमारा वो 6 नंबर निडल लगेगा हैंड निडल का, ठीक है। इसमें साइज़ में भी आती है, लंबी भी आती है, छोटी भी आती है, पर आप ट्राई करो कि आप जो मीडियम रेंज की जो साइज़ आती है 6 नंबर में वो आप यूज़ करो, उसमें वो परफेक्ट होती है। आपकी जो रेशम है 8 से 16 भी तार रहती है आपकी, चले जाती है ईजिली। देखो आपको यहाँ पे कलर बांटना होता है, जैसे फ्लावर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी हमको बांटना है, तो यहाँ पे मैं 3 जो है ग्रीन कलर का लूँगा और बाकी जो 2 कलर है वो हमें अलग लूँगा। उसके बाद जो मैंने कलर लिया है वो पिंक कलर लिया है, ठीक है, जो ग्रीन के साथ में कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा दिखता है, क्योंकि लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन काफ़ी दिखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने जो कलर लिया है वो ग्रीन लिया है, ठीक है। यहाँ पे भी हम बांट के फ्रेंच नोट को मारेंगे, जैसे हमने ग्रीन को बांटा था वैसे हम पिंक को भी बांटेंगे। पिंक को बांट के कुछ जगह हम छोड़ देंगे जिसमें हमारा और कलर आएगा, जिसमें इसका जो लुक है वो और अच्छा दिखेगा। तो इसमें हमको पिंक को भी हर तरीके से बांट देना है। तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको हमारा इंस्टाग्राम का आईडी, और वीडियो के बाद जाइए उसको फॉलो कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हम डालते रहते हैं, कुछ नया नया चीज़ वहाँ पे हम लाते रहते हैं। अगर सीखना है आपको इस आरी वर्क के बारे में तो आपको हमारा इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम आपको सिखाते हैं और कुछ बहुत सारे जो है नए नए डिज़ाइन हम लेके आते हैं। तो इंस्टाग्राम पे जाइए, हमें फॉलो कीजिए वहाँ पे और हमारे वीडियो का मज़ा लीजिए। आपको कलर को इस तरीके से बांटना है कि आपस में ना टकराए, अगर आपस में टकरा भी जाता है तो एक का दुख का टकरा, ज़्यादा ना टकराए। आपको कलर से उसको बांट के रखना है, जो भी आप कलर लगा रहे हो उसके जो कलर आप सेम दे रहे हो उसके अपोजिट नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूर दूर में होना चाहिए, तो आपका जो कलर कॉम्बिनेशन रहेगा वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो ये 2 कलर लेने के बाद जो मैं कलर ले रहा हूँ यहाँ पे फेरोजी कलर ले रहा हूँ, जो कि बेस्ट कलर है इस कॉम्बिनेशन में, जो लग रहा है हमने ग्रीन लगाया पिंक लगाया अब फेरोजी लगाएंगे, जो कि बेस्ट कलर है फॉर कॉम्बिनेशन। तो ये कलर हम यूज़ करेंगे इसमें, और इसमें भी हम फ्रेंच नोट ही देंगे, जो जगह हमारा बच गया है वो हमारा सिर्फ फेरोजी कलर के लिए ही है, तो सारा फेरोजी कलर वहाँ पर हम अटैच कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप 8 का 16 तार ले रहे हो, ठीक है, 16 तार आप जब मार रहे हो तो काफ़ी अच्छे से इसका नॉट बन जाता है। तो आपका जगह छोटा है तो आप एक ही बार घुमा सकते हो, जगह आपका बड़ा है तो उसको आप 2 बार घुमा सकते हो, पर 8 का 16 जब आता है आपका तो आपका क्लियर है, आपका अच्छे से बनेगा, तो आप उसको एक बार घुमा के फ्रेंच नॉट को कर सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक आता है। We'll be right back.
तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पत्ती जो बनी है गोल्डन कलर की, वहाँ पे भी मैंने जो है फिरोजी कलर का डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि वहाँ पे कोई कलर था ही नहीं, तो वो चीज़ अलग दिख रही थी, तो वहाँ पे भी मैंने हल्का सा कलर डाल दिया ताकि वो उसके साथ में मिलता हुआ दिखे। और कुछ हिस्सा हम यहाँ पे डाल देंगे जहाँ पे हमने ग्रीन फ्रेंच नोट मारा है, उसके बीच में हम थोड़ा सा लाइंस को डाल देंगे जिससे और लुक जो है और अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, और कुछ भी आपको हेल्प लगती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।